कह रही है? हाँ। तुम्हारी बहन अब उसको पसंद करने लगी है। आपकी बहू के साथ अफेयर चला रहा है ये। क्या अपनी लड़का आज भी शमशा से मिलता है चुप चुप कर? क्या खराब है? पहले शेरी अब ये राजी, तुम्हारे कोई कैलेबल नहीं है। really sorry, मामू जान, ये मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये राजी तुम्हारे कोई कैलेबल नहीं है। It's not gonna happen, ठीक है? शीना फैजान से कहते हैं कि तुम्हारी बहन अब राजी को पसंद करने लगी है। फैजान ये सुनकर नताशा से कहता है कि तुम्हारे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम पहले शेरी के चक्कर में घर से बाहर गई और अब राजी से शादी करना चाहते हो, ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। राजी सफदर को सारी हकीकत बता देते कि फैजान अब भी चुप चुप के रमशा से मिलता है, उसने सबको धोखा दिया, यहाँ तक कि अपने होने वाले बच्चे की माँ को। ये सुनकर सफदर को बहुत गुस्सा आता है और वो फैजान को सुनाता है, लेकिन फैजान अपनी गलती छुपाने के लिए सफदर से कहता है कि ये खुद एक घटिया इंसान है जो आपकी बहू के साथ आप ही के घर में अफेयर चला रहा है। अपनी जान छुड़ाने के लिए फैजान हादी और राजी पे इतना घटिया इल्जाम लगाता है और ये बात नताशा के सामने होती है, जो शीना और फैजान से कहती है कि वो राजी से शादी करना चाहती है। हादी और राजी ये कैसे साबित कर पाएंगे कि फैजान झूठ बोल रहा है, रमशा और अपना रिश्ता छुपाने के लिए सब कुछ कह रहा है।